मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है, अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया, क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। सवाल यह है कि केजरीवाल जी को क्यों डर लगता है? उनको भी अंदाजा है कि वो पूरी तरह से संलिप्त रहे हैं और इतने बड़े घोटाले में उनका बाकायदा हाथ है। ना सिर्फ ये, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी और वहां पे भी एनकेजी कंपनी को जो उन्होंने टेंडर दिया है उसमें भी गड़बड़ घोटाले का मामला सामने दिख रहा है। केजरीवाल क्योंकि जानते हैं कि उनके वॉच पर नाक तले और उनके द्वारा ये सारे कांड हुए हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो समन जब पेश किए जा रहे हैं पहले तो बहाने बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं दिवाली है, कभी कह रहे हैं विपासना है, कभी कह रहे हैं असेंबली चुनाव है, कभी कुछ तो कभी कुछ, और अब कह रहे हैं कि उनको राहत पहले से ही चाहिए। क्यों वो इतने श्योर हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो संलिप्त हैं और इसी डर की वजह से वो कर रहे हैं। अब वो इतना मजबूर करना चाह रहे हैं देश के कोर्ट्स को और एजेंसियों को बार बार ना जाकर और जिद करके कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जाएंगे नहीं और ऐसा मामला है तो उनकी गिरफ्तारी होगी कभी ना कभी। जब गिरफ्तारी होगी तो उनका एंड गेम ये है कि वो विक्टिम बन जाएंगे, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो सहानुभूति को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है उनको लगता है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं ये पूरी जो नौटंकी हो रही है वो क्यों हो रही है। ये देखिए कैसे बदतमीजी किया जा रहा है एक आदमी के साथ, कैसे ये देखिए आप,